हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रेकर चैनल। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। और ये क्वेश्चन जो है सी टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हम लोग टारगेट करके चलते हैं सी टेट के लिए 2020 एग्ज़ाम, ठीक है। और ये डेली जो क्वेश्चन सीरीज है सीडीपी का, उस वीडियो में हम लोग 59 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। आप क्वेश्चन को देखिए, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सिक्के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, दैट मीन्स अर्थ क्या है ना। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। बी है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। सी है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। और डी है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, है ना। देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसलिए हम काट देंगे क्योंकि बच्चे उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। मान लीजिए आप जब बच्चे थे तो आपके जो दोस्त थे आपसे कम नॉलेज रखता था, तो क्या जब खुद ही उसे नॉलेज नहीं है तो आपको क्या देंगे। तो बच्चे उन बच्चों से ज़्यादा सीख सकते हैं जिसके पास उनसे ज़्यादा नॉलेज है ना। तो यहाँ ये कट हो जाएगा। बी है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो मीनिंग है ये है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो समस्या का समाधान सहयोग से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा तो आप उसमें हेल्प कर दीजिए, उनका सहयोग कर दीजिए, तो वो क्या कर लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पा लेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन जो है सही है। सी ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये बात तो सही है लेकिन वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ये अर्थ नहीं है, ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। डी ऑप्शन है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। यहाँ तो जस्ट अपोजिट हो रही है बातें, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को कठिन कार्य करने में हेल्प करना है, ना कि हेल्प नहीं करना है, ठीक है। यहाँ सहायता ना करना अगर नहीं होता तो ऑप्शन ठीक था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सहायता ना करना। जब आप बच्चे को कठिन कार्य करने में सहायता नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे कर सकेंगे, ठीक है। बच्चे तो कोई भगवान नहीं है कि वो बचपन से ही सारे सॉल्यूशन करके आएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से जो सही ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, ये जो है सी टेट नवंबर 2012 पेपर 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म गति कौशल, यानी हमारा जो गति कौशल है उसमें बहुत कम इन्वॉल्व है, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है चढ़ना, सेकेंड है फुदकना, थर्ड है दौड़ना और फोर्थ है लिखना। तो सबसे जो कम गति कौशल की बात है किसमें हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हम इसलिए काट देंगे कि जब हम कोई चीज़ पर चढ़ते हैं तो हमारा पूरा बॉडी मूवमेंट करता है ना। तो ये तो सूक्ष्म नहीं है, ये तो ज़्यादा
गति कौशल है, यानी हमारा पूरा शरीर इसमें इन्वॉल्व होता है। बी है फुदकना, जब भी देखते हैं आप चिड़िया फुदकती है तो उसका पूरा बॉडी एक्टिव होता है, तो इसको भी हम काट देंगे। दौड़ना, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा पूरा बॉडी जो है तीव्र गति से एक्टिव होता है, ठीक है, तो इसको भी हम काट देंगे क्योंकि हमसे पूछा जा रहा कम सूक्ष्म गति कौशल। लिखना, तो लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा जो है हैंड एक्टिव होता है, ना कि हमारा पूरा बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलवर के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो कोहलवर्ग ने जो थ्योरी दिए हैं उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं तो क्या चीज़ का अनुसरण करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी है व्यक्तिगत और बी नियमन, सी है अच्छे अंत व्यक्तिगत संबंध और डी है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, ठीक ना। तो देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की बातें, तो देखिए प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं तो कोहलवर के अकॉर्डिंग प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हो सकते हैं वो इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट स्टेज के हैं, तो जिसको कहा जाता है लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल, ठीक ना। तो ये इस लेवल में जो है बच्चे 4 से 10 साल के होते हैं, तो ये प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे हैं, ठीक है। तो इन बच्चों में जो है ये बच्चे किस प्रकार के अनुसरण करेंगे, तो फर्स्ट जो है ये इस लेवल के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण अनुसरण करते हैं, क्योंकि ये बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, उनके माता पिता जो कहता है वो सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो दंड से बचने के लिए सुनते हैं। अगर वो दंड नहीं सुनेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलता है, तो वो पनिशमेंट को नहीं पाने के लिए ये आज्ञा पालन करते हैं। और बी है जो व्यक्तिकता और बी नियमन, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक ना, अपने आप को माता पिता के सामने अच्छा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ए बी दोनों ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ बी और ए डी में दिया हुआ है, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, तो एक जो बच्चा है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन किस एज में करता है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 6 माह की आयु में, बी है 12 माह की आयु में, और सी है 18 माह की आयु में, और डी है 24 माह की आयु में। तो एक बच्चा जो है ईर्ष्या का वो प्रदर्शन 6 माह की आयु में करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यस स्टेट में, 2012 पेपर 1 का है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 to 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो 6 से 11 वर्ष की जो आयु के बालक हैं उनके विशेषता इनमें से क्या है, क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, बी है सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से आज्ञा प्राप्त करते हैं, और डी है बालक सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं भी जान रहे हैं फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, जो देखिए 6 से 11 वर्ष की बात हो रही है, इसमें बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है, बालक जो है स्वभाव से ही अधिगम
का मूल प्रवृत्ति इसमें बालक में होता है, ठीक है, तो ये तो होता ही है, ठीक है। बी है, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। बच्चे सारे कुछ सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से भी कुछ कुछ बातें सीख लेते हैं, है ना, इसलिए आप इसको काट देंगे। सी है, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बालक जो है शिक्षक से ही ज्ञान प्राप्त करेगा। बी, बालक सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। नहीं, बालक सीखने में अगर रुचि नहीं लेते तो वो सीखते हैं कैसे, है ना, तो बालक जो है सीखने में रुचि लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो सही ऑप्शन होगा ये कि बालक जो है स्वाभाविक एवं सक्रिय अभी अधिगम करता होता है, ठीक ना, वो स्वभाव से सीखने के लिए उतावला रहता है और एक्टिव होता है सीखने के प्रति, ठीक है। अब बच्चे को देखेंगे अपना ट्राइव वो खोलता है, कोई भी खिलौना उसके पास है तो वो खोल कर देखता है, उसका मतलब यही है कि उसका स्वभाव जो है एक्टिव है, कोई चीज़ सीखने के लिए वो एक्टिव है, इसलिए उस ट्राई को वो खोला, उसको खोल करके वो देखना चाहता है कि आखिर इसकी बनावट जो है इस प्रकार कैसे बनाई गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। 6 से 7 वर्ष के बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। 6 से 7 वर्ष का जो बालक है दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन एच स्टेट में आया हुआ है। ए है, क्योंकि वह बहुत छोटा होते हैं। बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होते हैं। और सी, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होते हैं। और डी, क्योंकि वह कल्पनाशील होते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बालक जो है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो दूसरों को विचार को स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो आप उसको जो सिखाते हैं तो वो क्या करता है, सीख लेता है ए फॉर एप्पल, है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होते हैं। हाँ, 6 से 7 वर्ष का जो बालक होता है उसमें अहम की भावना होता है, अहम केंद्रित होता है, अपने आप को वो सेंटर में समझता है कि हम जो हैं हम ही सब कुछ हैं और हमसे सारा दुनिया है। डैट मीन्स अगर उसको चॉकलेट अच्छा लग रहा है तो अगर कोई रोएगा तो वो सोचेगा उसको हम चॉकलेट दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा, ठीक ना, तो ये सारी बातें जो है अहम केंद्रित को दर्शाता है। तो बालक अहम केंद्रित होने के कारण जो है दूसरे के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। सी है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होते हैं। बालक जो है बुद्धिमान होते हैं, इसे नन्हा साइंटिस्ट भी कहा गया है, ठीक ना। डी है, क्योंकि वह कल्पनाशील होते हैं, इसके कारण वो दूसरों को विचार को स्वीकार करने योग्य नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो 6 से 11 वर्ष के बालक को सीखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है वो देखिए। ए, मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता। बी, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। सी, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था। और डी, कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रटने वाली बात को हम काट देंगे, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना, रटने से रिलेटेड। बचा हमारे पास 3 ऑप्शन। अब देखिए यहाँ कह रहा 6 to 11 ईयर, तो 6 to जो है 11 ईयर जो है प्याजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये किस स्टेज का बात हो रहा है, तो ये 3rd स्टेज का बात हो रहा है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसमें 7 से 11 वर्ष माना गया है, तो इसमें जो है बालक को सीखने के लिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट चाहिए, मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता चाहिए, इससे ये सीखते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। और बी हम देख लेते हैं कि बी क्यों नहीं होगा। तो शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण,
ये जो है 6 से 11 वर्ष के बालकों के सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि ये शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण होगा तभी वो सीखेंगे। तो इसको हम काट देंगे और रटने वाला तो पहले ही काट दें। बचा हमारे पास एक और ऑप्शन डी, कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो कक्षा में जो है उच्च स्थान प्राप्त करने की जो प्रेरणा, ठीक बात है, लेकिन आप उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा देंगे जब तक आप उसको प्रेरणा देंगे और उसका मूल प्रवृत्ति नहीं है तो ये प्रेरणा आपका काम नहीं आएगा, ठीक ना। कुछ दिन वो मोटिवेटेड रहेगा लेकिन फिर बाद में क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ऑप्शन आप काट सकते हैं और ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो किस बाल्यावस्था की बात कहा है, पूर्व बाल्यावस्था। हम लोगों को पता है कि बाल्यावस्था जो है वो 6 to 12 ईयर्स को माना गया है, जिसमें 2 पार्ट में बाल्यावस्था को डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 to 9 और उत्तर बाल्यावस्था जो है 9 to 12 माना गया है। तो यहाँ बात हो रही है पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, उसका जो संवेगात्मक विकास है, सोचने समझने का शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, लॉजिक लगाने की शक्ति, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापकों की, बी है सगी साथियों की, सी है पड़ोसियों की और डी है माता पिता की। इसका जो सही ऑप्शन है माता पिता की, ठीक ना। 6 से 9 वर्ष के जो बालक होते हैं माता पिता के गाइडेंस में ज़्यादा रहते हैं और उनका संवेगात्मक जो विकास होता है उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन है 6 to 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, बी निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है और सी कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, डी पाठ्य पुस्तक के अध्ययन करने की प्रक्रिया है। देखिए 6 to 11 वर्ष की वर्ग के लिए अधिगम जो है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेसिंग है। उस एज में बच्चा जो है सीखने के लिए बहुत एक्टिव होता है, वो ज्ञान निर्माण करने के लिए जो प्रोसेसिंग होता है बहुत ही एक्टिव होता है। आप जो बच्चा को सिखाएंगे वो सीखेगा, आप बच्चे को जिस प्रकार बनाएंगे वैसा बनेगा, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन सही है। बी क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ निष्क्रियता कहा गया है और रटने की प्रक्रिया कहा गया है, तो निष्क्रिय होकर रटने की प्रक्रिया कोई अधिगम की प्रक्रिया नहीं होती है। सी कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, है ना। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया, ये भी जो है अध्ययन करने की प्रक्रिया जो है अधिगम तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि ये ज्ञान निर्माण करने की सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए सही नहीं हमसे पूछा गया है, आप इसको ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि जो है मापनीय होती है और अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। वृद्धि हम लोग CDP के सीरीज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर एक वीडियो बनाए थे और उसको अच्छी तरह से समझे थे, ठीक ना, कि वृद्धि क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है ना। तो वृद्धि जो है इसे इंग्लिश में ग्रोथ कहा गया है। वृद्धि जो है हमारे मात्रात्मक होते हैं, लेकिन विकास जो है, डेवलपमेंट जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। वृद्धि मीन्स आपका जो शारीरिक
चेंजेज आता है, जो जो शारीरिक बनावट जो आपका उसमें चेंज आता है उसको वृद्धि कहा जाता है, ठीक ना। जैसे अभी वृद्धि शारीरिक होती है, ये बात सही है, 5 वर्ष का बच्चा और 10 वर्ष का बच्चा का हाइट में जो वृद्धि हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, उसे क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, ठीक ना। तो ये शारीरिक होती है, ठीक है। अभी वृद्धि मात्रात्मक होती है, हाँ ये मात्रात्मक होती है, क्वालिटेटिव होती है, ठीक ना। और अभिवृद्धि जो मापनी होती है, तो हम माप सकते हैं कि 5 साल का बच्चा का हाइट कितना है, 10 साल बच्चा का हाइट क्या है, इसे मापा जा सकता है, ठीक ना। अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं ये गलत है, क्योंकि अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक टाइम से रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। बच्चे किशोरावस्था के बाद क्या उसकी लंबाई बढ़ती है, नहीं, उसकी लंबाई नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभिवृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं, वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो, CDP जो पार्ट होता है दोनों के लिए इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी है सीटेट 2013 में, पेपर 1 में आया था, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट कि अपनी उपेक्षा को कम करने के, सेकेंड है कक्षा के साथ संबंध होने की, और सी है कक्षा में अव्यवस्था फैलाने की, और डी है अपनी शक्तियों को उपयोग करने की। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है, खोज करने की अनुमति अगर उसको आप देते हैं तो वो बहुत संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो भी व्यवस्थित हो जाते हैं, वे ऐसा डैश की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उनकी उपेक्षा को कम करने, जब वो हतोत्साहित होता है डैट मीन्स उसका जो उपेक्षा है उसको हम लोग क्या करते हैं, कम होता है, इसलिए वो हतोत्साहित हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए है। बी कक्षा के साथ संबंध होने, जब कक्षा के साथ वो संबंध होना है तो वो हतोत्साहित क्यों होगा, नहीं होगा, वो तो प्रोत्साहित होगा, है ना। कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में नहीं, ये सारा जो ऑप्शन है इससे कोई मतलब नहीं। अपनी शक्ति का उपयोग करने में, अपनी शक्ति का जब बच्चा उपयोग करता है तो वो खुश होता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप दे दीजिए उसको, देखिए, या पेंटिंग बनाने के लिए दे दीजिए, देखिए वो कितना खुश होगा, क्योंकि उसका जो रुचि है वो अपना रुचि वहाँ लगा रहा है तो वो खुश होगा, वो हतोत्साहित नहीं होगा, डैट मीन निराश नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कि अपनी उपेक्षा को कम करने से वो क्या होता है, हतोत्साहित हो जाता है, और उसका जो उपेक्षा होता है, उसकी जो शक्तियाँ है उसका प्रयोग होता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। डेली हमारा जो ये सीरीज है 10 क्वेश्चन का, CDP का डेली आते रहेगा। और आप अगर मैथ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो RS अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन है आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।